महाराष्ट्र परिवहन विभाग आने वाले दिनों में बस का किराया बढ़ा सकता है। लगातार बढ़ते तेल के दाम से परिवहन विभाग को काफी घाटा उठाना पड़ रहा था। सूत्रों के मुताबिक इसी नुकसान की भरपाई के लिए परिवहन विभाग ने 17% किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। ऐसे में पहले से डीजल पेट्रोल के आसमान छूते दाम से परेशान जनता को अब बस किराए के लिए भी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। किराया बढ़ाने के लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तर की परिवहन समिति का गठन किया गया है। इस समिति की रिपोर्ट को परिवहन विभाग के संचालक मंडल के सामने रखा जाएगा। हकीम समिति की सिफारिश के अनुसार महंगाई के अनुसार किराए में बढ़ोतरी की जाती है। महाराष्ट्र परिवहन विभाग फिलहाल 12,500 के आर्थिक नुकसान से जूझ रहा है। इसके अलावा कई करोड़ रुपए की उधारी भी चुकानी है। ईंधन के दाम बढ़ने की वजह से खर्चों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही कोरोना काल में यात्रियों की संख्या घटने की वजह से राजस्व में भी भारी कमी आई है। इसी वजह से 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी कई बार एसटी कर्मचारियों की पगार मिलने में दिक्कत सामने आई है। तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना